आपके बिस्तर में खेती। एक समय था कि दूर दूर तक खेत ही खेत फैले हुए दिखाई देते थे। जब शहर बने, लोग ऊंचे गगनचुंबी अपार्टमेंट में रहने लगे, बहुत बहुत ऊंचे। अब खेती की ऊंचे इमारतों के साथ शादी हो गई। इसे वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती कहते हैं। कभी बंकर बिस्तरों में सोए हो? अब कल्पना करो कि बंकर बिस्तर एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक और उसके भी ऊपर एक जमा कर रखे गए हैं, और उनमें बच्चे नहीं बल्कि हर एक बिस्तर पर फल और सब्जियां उगाई गई है। दुनिया को जल्द ही खाने के संकट का सामना करना होगा। वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी, आज से 3 अरब ज्यादा। दुनिया में 3 भारत और जोड़ लो। जितनी जमीन पर फसलें उगाई जा सकती है उसमें से 80% से ज्यादा जमीन का पहले से ही उपयोग किया हुआ है, तो खाना उगाने के लिए अतिरिक्त जमीन कहां से आएगी? मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था मैंने दे दिया, लोगों के लिए कम है। मुझे खड़ी खेती आजमाना चाहिए। खड़ी खेती के कई फायदे हैं। शहरों के जिन इलाकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वहां खाना उगा सकते हैं, और साल भर बाहर चाहे बारिश हो रही हो, धूप हो या बर्फ गिर रही हो, अंदर खड़ी खेती का तापमान वही होता है। चूंकि खाना शहरों के भीतर ही उगाया जाता है, उन्हें दूर से ट्रकों में भरकर दुकानों तक नहीं पहुंचाना पड़ता। इसे पर्यावरण पदचिन्ह कहा जाता है। खाना जितनी दूर से आता है पदचिन्ह उतना ही ज्यादा बड़े होते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम हो जाता है क्योंकि बंद खड़ी खेती में बाहर से कीट नहीं आ सकते, और पर्यावरण का नुकसान भी कम होता है क्योंकि रासायनिक कचरा भी कम हो जाता है। दुनिया का 80% पानी पारंपरिक खेतों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। खड़ी खेती नलों से बेकार पानी का इस्तेमाल कर सकती है और ताजा पानी को पीने के लिए छोड़ सकती है। प्रत्येक बिस्तर को ड्रिप इरिगेशन या बूंद सिंचाई से पानी और पोषक दिया जाता है, और यह सामान्य खेती से इस्तेमाल पानी का केवल 2% पानी इस्तेमाल करती है। आह, स्ट्रॉबेरी तो इतनी रसीली और ताजा है। टमाटर के साथ होली खेलने के लिए मशहूर स्पेन पूरे यूरोप को टमाटर भेजा करता था, क्योंकि उनकी जलवायु टमाटर की खेती के अनुकूल थी। खड़ी खेती करने के बाद हॉलैंड स्पेन से ज्यादा टमाटर उगाता है, बावजूद इसके कि उनकी जलवायु उतनी अच्छी नहीं है। जल्दी ही हम पूरे भारत में खाना उगा पाएंगे जो सामान्य रूप हमारी जलवायु में संभव नहीं होता। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बिस्बो हिंदी पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर बिस्बो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बिस्बो जब भी नई कहानी पोस्ट करे आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी।